मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाइए बुक के पेज नंबर 84 में, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 में। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। हमें चेक करना है कि नीचे जो पेयर दिए हैं फ्रैक्शंस के, वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो देखिए, ए और डी मैं बताऊंगी, बी सी आपके लिए होमवर्क है। चलिए देखते हैं कैसे हम चेक करेंगे। नाइन का ये नंबर 6/7, 36/42, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी, आपको जिससे अच्छे लगेगा उससे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। पहला मेथड है कि जैसे 6/7 दिया, इनके बीच में कोई इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए उसके बाद देखें दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। अगर इक्वल आ रही होगी दोनों की वैल्यू, इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट है, और दोनों की वैल्यू इक्वल अगर नहीं आ रही होगी तो दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट मेथड देखते हैं पहले हम। 6/7 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 36/42 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों के कैसे नंबर से डिवाइड करेंगे, जिसके बाद डिवाइड करने के बाद जो नंबर आए, मतलब फ्रैक्शन आएगी, वो फिर उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, 6 से डिवाइड करेंगे हम, तो 6 6 36 होता है तो 6, 6 7 जो 42 होता है तो आगे 7। तो देखिए कितना आ गया 6/7, तो 6/7 दिया था, और 36/42 की वैल्यू भी 6/7 आ रही है, इसका मतलब दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं। 6/7 किसके इक्वल है, 36/42 के, तो आप इसके नीचे लिख देंगे दे आर इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे, दे आर इक्विवेलेंट, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखिए, नेक्स्ट मेथड देखिए, 6/7 6/42, ये दो फ्रैक्शंस दिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इस साइड लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इस साइड लिखेंगे। अगर ये वाला टर्म जो प्रोडक्ट आएगा ग्रेटर है, इसका मतलब ग्रेटर है, देखा हमें देखा दोनों इक्वल आएंगे तो सही है, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 42 करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 × 7 करेंगे, 42 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 252 आएगा। 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए 42 में जब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 252, फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें मिल रहा है 252। तो देखिए दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। 252 किसके इक्वल आ रहा है, 200, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो देखिए दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया इनको, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, इसका मतलब दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो लास्ट में हम लिखेंगे दे आर इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट है। एक मेथड ये है, फर्स्ट मेथड वो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके करने का, और दूसरा मेथड ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, ठीक है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दी है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लीजिएगा। अब डी नंबर मैं आपको बताने जा रही हूँ, और डी नंबर मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से ही बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए दो फ्रैक्शन दिए हैं, 12/30 एंड 10/25। अब हमें फाइंड करना है ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 12 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 25, 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 30, ठीक। 12 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 300, और 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें मिलेगा 300। तो देखिए दोनों केस में हमें क्या मिल रहा है, 300 मिल रहा है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो लास्ट में हम लिखेंगे दे आर इक्विवेलेंट। आप दे आर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं कि 12/30 एंड 10/25 आर इक्वी
वैलेंट, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 12 अपॉन 30 एंड 10 अपॉन 25 जो है वो आर इक्विवेलेंट है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया है, दोनों मेथड है, दोनों में से आप किसी तरह भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा मेथड ये रहेगा करने के लिए। ठीक है, ईजी भी है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। नीचे दी गई फ्रैक्शंस को हमें उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, तो ए बी एफ मैं बताऊंगी, सी डी ई आपके लिए होगा कि चलिए देखते हैं कैसे रिड्यूस करेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 10, ए नंबर 12 अपॉन 40 है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर 12 है, डिनोमिनेटर 40 है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का हम एस सी एफ फाइंड करेंगे, और जो एस सी एफ आएगा उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो फ्रैक्शन आएगी वो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी। ठीक है, तो चलिए 12 और 40 का एच सी एफ फाइंड करते हैं। ये एच सी एफ फाइंड करना ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, 2 6 12 2 3 6 3 1 3। ठीक है, 40 2 2 4 2 0 0 2 1 2 2 0 0 2 5 10 एंड 5 1 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 12 का, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका, 40 का। अब देखिए हम एच सी एफ फाइंड करेंगे, तो देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ भी 2 2 2, उसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो 2 2 4, तो एच सी एफ कितना आ गया, 4। तो हम लिखेंगे ये आपका रफ फर्क है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो एच सी एफ ऑफ 12 एंड 40 इज 4, जो एच सी एफ है 12 एंड 40 का वो कितना आ गया, 4। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे, 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा। अब देखिए 3 अपॉन 10 फ्रैक्शन आ गई, और इनके बीच में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब 12 अपॉन 40 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 3 अपॉन 10 आ गया। ठीक है, ये देखिए ये जो मैंने एच सी एफ फाइंड किया ये रफ वर्क है, इसे रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है, और मैंने इसको बहुत शॉर्ट में एच सी एफ निकाला है। ठीक है, आपको एस सी एफ कैसे प्रॉपर तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, तो आप वैसे ही एस सी एफ फाइंड करिएगा। ठीक, यहाँ पहले कॉमन फैक्टर लिखेंगे, हाई मतलब जो भी है, पहले सबके इनका 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, फिर 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, फिर मैं जो कॉमन है वो लिख के इनटू करेंगे, इस तरह से एस सी एफ निकाला जाता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर जो आ रहा है इसका, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12 अपॉन 40 इज 3 अपॉन 10। मतलब 12 अपॉन 40 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 3 अपॉन 10। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए बी नंबर में, 63 अपॉन 90 है। अब देखिए 63 और 90 का आप एच सी एफ फाइंड करेंगे, अब ये आप खुद फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने एक बता दी है आपको कैसे फाइंड करते हैं, तो एच सी एफ जो होगा 63 एंड 90 दोनों का आप एच सी एफ फाइन करेंगे, 63 एंड 90 का आप एच सी एफ फाइन करेंगे, तो दोनों का एच सी एफ आएगा 9। ठीक, अब 9 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, 63 अपॉन 90 इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाई 9 अपॉन 90 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 90 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, तो कितना आ गया, 7 बाई 10। ठीक है, तो 63 अपॉन 90 का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 7 अपॉन 10। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 63 अपॉन 90 इज 7 बाई 10। तो 63 अपॉन 90 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आ गया 7 अपॉन 10। नेक्स्ट देखिए एफ नंबर, 140 अपॉन 980। तो हम एच सी एफ फाइंड करेंगे, एच सी एफ ऑफ 140 एंड 980 इज, ये आपका रफ वर्क हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, 140 एंड 980, 2 7 जा 14 2 0 0 2 3 जा 6 2 5 जा 10
फाइव सेवन जो 35, सेवन वन जो 7, ठीक। टू फोर जै एट, टू नाइन जै 18, टू जीरो जीरो, टू टू जा 4, टू फोर जै 8, टू फाइव जै 10, फाइव फोर जो 20, फाइव नाइन जो 45, सेवन सेवन जो 49, सेवन वन जो 7। तो देखिए 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 2 5 7 7, ठीक है। अब देखिए एच सी एफ फाइंड करेंगे तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 2 2 5 5 1 7 1 7, तो कितना है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4 4 5 जा 20, 27 जा 140, तो इन दोनों का एच सी एफ आ गया 140, ठीक है। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे हम 140 से, 140 को 140 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 980 को 140 से डिवाइड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, क्योंकि 147 से 980 होता है, ठीक। तो 1/7 आ गया, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 140/980 इज 1/7, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 140/980 का वो है 1/7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, अ वेजिटेबल वेंडर है 20 केजी ऑफ पोटैटोज, 32 केजी ऑफ ऑनियंस एंड 12 केजी ऑफ टोमेटोज, ही सोल्ड 15 केजी ऑफ पोटैटोज, 24 केजी ऑफ ऑनियंस एंड 9 केजी ऑफ टोमेटोज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच वेजिटेबल डिड ही सेल, आर द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। एक वेजिटेबल वेंडर जो है उसके पास 20 केजी पोटैटोज हैं, 32 केजी ऑनियंस हैं एंड 12 केजी टोमेटोज हैं, उसमें से उसने 15 केजी पोटैटोज बेच दिए, 24 केजी ऑनियंस सेल कर बेच दिए एंड 9 केजी टोमेटोज सेल कर दिए, ठीक। तो अब हमें फाइंड करना है कि हर वेजिटेबल का जो उसने सेल किया है, जो हर वेजिटेबल सेल की है उसका उसकी फ्रैक्शन क्या होगी, वो हमें फाइंड करनी है, और उसके बाद ये बताना है कि जो फ्रैक्शंस आ रही हैं वो इक्विवेलेंट है कि नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ पोटैटोज सेल। सबसे पहले हम फ्रैक्शन लिखेंगे किसके लिए, पोटैटोज के लिए जो सेल कर दिए गए, ठीक है। तो देखिए टोटल कितनी थी, 20 केजी, उसमें से 15 केजी सेल कर दिया गया। आप ये भी स्टेप लिख सकते हैं और डायरेक्ट आप लिख सकते हैं पोटैटोज के लिए क्या फ्रैक्शन है, 15/20, आप इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ पोटैटोज सेल ये भी लिख सकते हैं और ये भी स्टेप लिख सकते हैं, पोटैटोज इज इक्वल टू 15/20, ये उसकी फ्रैक्शन है, ठीक। इसको अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, तो आ गया 3/4, ठीक। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ ऑनियन सेल, ट्वेंटी फोर अपॉन 32, 32 के जी टोटल है, उसमें 24 सोल्ड कर दिया गया, बेच दिया गया, ठीक। अब देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है 8, 8 से 24 को डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, तो आ गया 3/4, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ टोमेटोज, फ्रैक्शन ऑफ टोमेटोज सेल, टोटल कितने टोमेटोज थे 12 केजी, उसमें से 9 केजी सेल कर दिया गया, इन दोनों के कॉम में के बीच में कॉमन फैक्टर है 3, 3 3 जा 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे
4, तो आ गया 3/4। ठीक है, तो पोटैटोज़ के लिए फ्रैक्शन क्या आ गई, 15/20, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया उसका 3/4। फ्रैक्शन क्या आ गई ऑनियंस के लिए, 24/32, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 3/4। फ्रैक्शन क्या आ गई टोमेटोज़ के लिए, 9/12, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 3/4। अब हमसे पूछा था कि क्या वो फ्रैक्शंस, तीनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होंगी, यस, क्योंकि तीनों फ्रैक्शंस की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 3/4, इसका मतलब ये फ्रैक्शंस जो हैं इक्विवेलेंट हैं। तो हम लिखेंगे 15/20 इज इक्वल टू 24/32 इज इक्वल टू 9/12, ये तीनों किसके इक्वल हैं 3/4 के, किसके इक्वल है 3/4 के, इसका मतलब दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो हम लिखेंगे यस द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। यस द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, मतलब जो फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया है। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, अपॉन में टोटल वैल्यू और ऊपर जिसके लिए फ्रैक्शन लिखनी है वो। तो 20 केजी टोटल पोटैटोस थे, उसमें से 15 केजी सेल कर दिए, तो फ्रैक्शन हो गई 15/20 या 24/32। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आप घर में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।